वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद कुकिंग। आज मैं साबुत उड़द दाल की चीला बनाने का रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रेसिपी अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चीला बनाने के लिए मैं हाफ कप रेगुलर राइस ले लिया और सेम अमाउंट साबुत उड़द दाल। दाल और चावल को मैं अच्छी तरह से धो के साफ कर लिया। सफिशियंट पानी दे के इसे ओवरनाइट भिंगो लेती हूँ। दाल चावल मेरा अच्छी तरह से सोख हो गया है। एक जार में अदरक का टुकड़ा डाल देती हूँ, अपने स्वाद अनुसार हरी मिर्च, और अब सोख किया हुआ दाल और चावल को पानी समेत ही डाल देती हूँ और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना देती हूँ। तो पहले इसको पीस लेती हूँ। दाल और चावल का पेस्ट बन गया है। इसे एक बोल पे निकाल लेती हूँ और जार में जितना लगा हुआ था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको भी बोल में डाल दिया। अब इसी पेस्ट के अंदर मैं बारीक काटा हुआ प्याज डाल रही हूँ, ग्रेट किया हुआ गाजर, धनिया पत्ता, आप अपने पसंद के हिसाब से यहाँ ब्रोकोली, फूलगोभी, शिमला मिर्च, बीन्स, मटर डाल सकते हो। नमक स्वाद अनुसार, साबुत जीरा एक चम्मच, गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी हींग। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। इस चीले को आप नाश्ते में, शाम के नाश्ते में, बच्चे को टिफिन में या ऑफिस में लेके जा सकते हो। हेल्दी होती है और घर का बनाया हुआ चीज़ है। दाल है, चावल है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ इसके अंदर है और अपने पसंद के हिसाब से जितने मर्जी आप भेजीज डाल सकते हो, कॉर्न भी डाल सकते हो, इवन चाहो तो पनीर को भी ग्रेट करके इसके अंदर डाला जा सकता है। 15-20 मिनट वेट कर लेती हूँ, उसके बाद चीला बनाती हूँ। तवा मेरा गर्म हो गया है, थोड़ा सा तेल ब्रास कर देती हूँ। अब एक चम्मच पेस्ट डालती हूँ और हल्के हाथों से इसे स्प्रेड करती हूँ। ज़्यादा पतला होगा नहीं क्योंकि इसके अंदर वेजिटेबल्स है। कवर कर देती हूँ और फ्लेम को बिल्कुल लो करके इसे एक दो मिनट पका लेती हूँ। 2-3 मिनट हो गया है, एक बार चेक कर लेती हूँ। ऊपर थोड़ा सा तेल और ब्रास कर देती हूँ और चीला को टर्न कर देती हूँ जिसे दूसरे साइड भी सीख जाए अच्छी तरह से। फिर से एक दो मिनट के लिए इसे कवर कर देती हूँ। एक दो मिनट हो गया, चीला का दूसरा साइड भी अच्छी तरह से सीख गया है, इसे बाहर निकाल लेती हूँ। सेम प्रोसीड्यूर में फिर से एक बार तेल ब्रश कर लेती हूँ और बाकी चीला इस तरह से एक एक करके बना लेती हूँ। कुछ पेस्ट मैंने रख दिया, अभी मैंने सिर्फ 4 ही चीला बनाया, बाकी बाद में बनाऊंगी। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। थैंक्स फ्रेंड मेरे वीडियो देखने के लिए। आगे भी बने रहिए, होममेड सिंपल रेसिपी मैं अपलोड करती हूँ। आज यहाँ तक ही, मिलते हैं कोई और एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। और रेसिपी अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल और फैमिली के साथ।